डॉक्टर सुरीता करीम होंगी गोरखपुर से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी, कहा जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित होगी फतेह। लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के पांचवें दिन नहीं हुआ कोई नामांकन, 13 लोगों ने लिया पर्चा। पुलिस ने नकल माफियाओं के खिलाफ कसी नकेल, प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक गिरफ्तार। लोकसभा संसदीय उपचुनाव के लिए मतदान पार्टी के कार्मिकों का 24 से 27 फरवरी को दीक्षा भवन में होगा प्रशिक्षण। सिंगल विंडो सिस्टम के कार्य करना किया प्रारंभ, अब तक 3 प्रकार की अनुमति। चोरी के बाइक के साथ 4 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा ग्रामीण सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई संपन्न, उपचुनाव की सफलता पर बनाई गई रणनीति। चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। महात्मा गांधी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। मतदान के दिन उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में तैनात कार्मिक अपने बूथ या सन्निकट के बूथ पर कर सकेंगे मतदान। तीसरे दिन भी जारी रहा नालों की साफ सफाई का कार्य, आसपास के लोगों ने ली राहत की सांस। और बीएसएनएल ने लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 4 विकेट से और सीएजी की टीम ने लखनऊ को 9 विकेटों से पीटकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह की पक्की।